दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपना पीएम किसान सम्मान निधि योजना का अभी जो पेमेंट आया है आप लोग कैसे चेक कर सकते हो, अपने बैंक खाता में पेमेंट आया है या नहीं करके आप लोग कैसे देख सकते हो। तो कई सारे लोगों को अभी पेमेंट नहीं आया, लेकिन इसका वजह क्या है वो भी आप लोग जान सकते हो। दोस्तों रीज़न ये है कि आप लोग अगर इनकम टैक्स भरते हैं तो आपका नंबर पहले से जैसा था ऐसा नहीं है, अभी हटा दिया गया है। आप लोग अगर इनकम टैक्स भरते हो तो आपका यहाँ पर नेम हटा दिया गया है। और एक रीज़न है कि आप लोग अगर आपका परिवार में आपका पिताजी को मिलता है या आपका बड़े भाई को या आपको, आप पहले जैसा था आप लोग देख सकते हो कि घर में दो दो तीन तीन लोगों को ऐसा मिलता था गवर्नमेंट स्कैम, तो ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पेमेंट तो अभी ये हटा दिया गया है, परिवार में एक ही दिया जा रहा है। तो आप लोग चेक करने के लिए वीडियो को एंड तक देखो, वीडियो पसंद आने पर एक लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं इसी तरह नई वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पेमेंट आया या नहीं आप लोग चेक कर सकते हो खुद से। तो चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक ब्राउज़र ओपन कर लेंगे, यहाँ पर सर्च बार पर टाइप करेंगे pmkisangov.in। उसके बाद हम लोग सबसे ऊपर आ जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को ये पेज ओपन हो जाएगा। ये इसका लिंक आप लोगों को वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, वहीं से भी आप लोग जाके इस पेज पर आ सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो फार्मर कॉर्नर पे दिया गया है बेनिफिशियरी स्टेटस, तो हम लोग बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर तीन ऑप्शन दिया गया है, आधार नंबर, अकाउंट नंबर एंड मोबाइल नंबर। तो आप लोग जिससे भी आप लोग यहाँ पर एंटर कर सकते हो, आधार नंबर से हो या अकाउंट नंबर से या मोबाइल नंबर से। तो मैं यहाँ पर आधार सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर डालूँगा। आधार नंबर यहाँ पर डालने के बाद आप लोग गेट रिपोर्ट गेट डाटा पर क्लिक करेंगे। हम लोग गेट डाटा पर क्लिक करते ही आप लोगों का ये सामने आ जाएगा, नेम आ जाएगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर नहीं दिया गया है, यहाँ पर आधार नंबर, गांव का नाम पूरा आ जाएगा। यहाँ पर देख सको कि आपका यहाँ पर पेमेंट आ चुका है, तो आप लोग इस तरह इसको चेक कर सकते हो अपना पेमेंट बैंक खाते में आया या नहीं आया करके। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर दो, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है एक्टिव एंड इनएक्टिव, तो यहाँ पर एक्टिव दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो कि आपका रीजन जो भी रहेगा यहाँ पर एक्टिव इनएक्टिव पर लिखा जाएगा। यहाँ पर अगर इनएक्टिव रहता है तो यहाँ पर आप लोगों को इसका रीजन बता देगा, या आपका दो दो तीन तीन लोगों को इसका बेनिफिट मिल रहा है तो आप लोग यहाँ पर उस रीजन दिखा देगा, या आप लोग इनकम टैक्स भरते हो तो आपको ये रीजन यहाँ पर बता देगा। तो आप लोग इस तरह पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पेमेंट आया या नहीं, अगर नहीं आया तो रीज़न क्या है तो आप लोग इसे इधर देख सकते हो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं इसी तरह नई वीडियो डालूँगा तो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही है, फिर मिलूँगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।